ओमिक्रॉन से सावधान इंडिया। जी हां, भारत में आपको बता दें पिछले 24 घंटे में दो ओमिक्रॉन केस की पुष्टि हो चुकी है और ये दोनों ही केस कर्नाटक से मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 29 देशों में और 373 ओमिक्रॉन केस दुनिया में रिपोर्ट किए गए हैं। ये ओमिक्रॉन वेरियंट बीटा और डेल्टा वेरियंट से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। वहीं WHO के मुताबिक इस वेरिएंट में 45 से 52 म्यूटेशन देखे गए हैं। तो ऐसे में अब भारत को भी सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि भारत में भी ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री हो चुकी है। तो इसीलिए आपको बता दें कि अब सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर क्या कुछ अपडेट भारत में है। आ गया ओमिक्रॉन सावधान इंडिया। जी हां, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस की अब एंट्री जो है हो चुकी है भारत में। ऐसे में आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के भारत में दो केस मिल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दे दी गई है, पुष्टि कर दी गई है कि दो ओमिक्रॉन के वेरिएंट मिल चुके हैं। साथ ही ये दोनों ही मामले कर्नाटक में मिले हैं, यानी कि दोनों ही मरीज कर्नाटक में पहुंचे हैं। आपको बता दें विदेश से यात्रा करकर दोनों मरीज पहुंचे थे। साथ ही 67 और 46 साल के शख्स में ये नया वेरियंट पाया गया है। तो जो दोनों शख्स हैं उनमें ये नया वेरिएंट पाया गया है। आपको बता दें कि 5 गुना ज्यादा खतरनाक है नया वेरिएंट, यानी कि डेल्टा और बीटा से ये ज्यादा वेरिएंट खतरनाक बताया जा रहा है। 29 देशों में ओमिक्रॉन का साया मंडरा रहा है। जी हां, अब तक दुनिया भर में 29 ऐसे देश हो चुके हैं जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है। तेजी से ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है। तो ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बना हुआ है। अभी तक भारत में नहीं मामले आए थे। ऐसे में आपको बता दें कि 29 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 373 केस मिल चुके हैं, यानी कि पूरी दुनिया में अब इतने मामले हो चुके हैं। साथ ही ओमिक्रॉन की एंट्री पर कितना सतर्क है स्वास्थ्य मंत्रालय, ये भी एक बहुत गंभीर विषय है और बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कितना ज़्यादा सतर्क है। इसी को लेकर आपको बता दें कि अब ओमिक्रॉन के जिस तरह से भारत में एंट्री हो चुकी है, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया एक जिम्मेदार चैनल है और इसीलिए आपसे बार बार ये आग्रह करता है, ये गुजारिश करता है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। तो ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है सबसे ज्यादा उन पर असर करेगा जिसको किडनी या फिर किसी और तरह की पहले से परेशानी है या फिर बीमारी है। इसी पर डॉक्टर अनिल प्रसाद जो सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं JP हॉस्पिटल से, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी धन्यवाद डॉक्टर अनिल। जिस तरह से देखिए अब ओमिक्रॉन का दो मामले भारत में मिल चुके हैं, पहले जानकारी ये मिल रही थी कि अब जिस तरह से जिन लोगों को किडनी या फिर किसी और तरह की बीमारी है उनको ज्यादा संक्रमित करेगा, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से अब सावधान रहने की जरूरत है। देखिए ऐसा है कि ये एक नया म्यूटेशन है वायरस में, काफी सारे नए म्यूटेशन है इस वायरस में जो एग्जिस्टिंग कोविड वायरस था उसमें जी। अभी ये पूरा चर्चा नहीं आया है कि ये क्या जो खतरनाक है, ये कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि साइंटिफिक डेटा नहीं अवेलेबल है जी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो है फैलने की रफ्तार हो सकता है ज्यादा जरूर हो, पर इसकी भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो पर यह है कि जब भी कोई नया म्यूटेशन आएगा किसी वायरस में तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है या वो कम खतरनाक भी हो सकता है जी। हम जरूर सावधानी रखनी होगी कि भाई जो एक जनरल प्रिकॉशन है कोविड को हैंडल करने के, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जी। और बीमार अगर हो गए तो उनसे अपने आप को आइसोलेट जल्दी करना, जो भी हमारी समाज की जिम्मेदारियां हम निर्वाह करें और घबराए नहीं, से इम्पोर्टेंट बात ही घबराए नहीं जी। और जहां तक आप जो सवाल रखी पेशेंट के बारे में, तो इसके भी अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि ये ज्यादा अफेक्ट करेगा। हाँ, जैसी कोई जानकारी अगर इस पर आएगी, कोई साइंटिफिक डेटा आएगा तो हम आप लोगों के साथ
बिल्कुल डॉक्टर अनिल, यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश मैं करूंगी कि देखिए जो डेल्टा बीटा वेरिएंट था कोरोना का, ये उससे ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन बताया जा रहा है, तो क्या लक्षण भी इन दोनों वेरिएंट से ओमिक्रॉन के अलग होंगे? नहीं, अभी तक मेरे पास जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक पब्लिकेशन तो नहीं हुआ या नहीं अभी तक कोई पुष्टि भी है कि ज्यादा खतरनाक है। देखिए कोविड खतरनाक इसलिए भी था क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी नहीं है जी। और इम्यूनिटी नहीं थी, अब तो खैर वैक्सीनेशन काफी सारे लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है तो हो सकता है कि अब उसका इफेक्ट उतना ना हो, पर जिन लोगों में पहले इफेक्ट होता था उनमें से कुछ परसेंटेज लोगों के लिए तो बहुत ही सीवियर हो जाता था, बहुत ही खतरनाक हो जाता था। अब हो सकता है कि वैक्सीनेशन इसको चेंज करे, लेकिन इससे भी फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें फिर से अभी कोई डेटा नहीं है कि जिन लोगों में वैक्सीनेशन हो रखा है उन लोगों में ये कितना कितना खराब असर दिखाएगा या कितना कम असर दिखाएगा, इसके बारे में अभी तक खास जानकारी नहीं। पर हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नया म्यूटेशन साथ में कोई वायरस आएगा जी, हम लोगों को सावधान जरूर रहना है क्योंकि हमें अभी तक जानकारी नहीं है कि वो कैसे बिहेव करने वाला है जी, है ना। तो जब तक हम इस चीज को समझते नहीं है एटलीस्ट तब तक हम अपने कार्यस्थल पे और अपने घर पे और जहां अगर बाहर हम कहीं जाते हैं घर के बाहर कहीं जाते हैं तो अपने प्रिकॉशन जरूर फॉलो करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए के रखें, मास्क जरूर पहन के रखें और अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर उनका इस्तेमाल जरूर करते रहें। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, यहाँ पर एक चीज और जानना चाहूंगी कि देखिए अब ओमिक्रॉन की अभी तक भारत में एंट्री नहीं हुई थी, अब दो मामले मिल चुके हैं, तो ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना तैयार है, क्योंकि सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में हमने देखा था कितनी तबाही भारत में बची थी, तो क्या इस बार पूरी तरह से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? हाँ, देखिए हमने ऑब्वियसली पिछले दो लहरों के दौरान अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर मजबूत किया है और हम पहले से ज्यादा मानसिक तौर से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी पहले से ज्यादा तैयार है। और जो वैक्सीनेशन एक ड्राइव, जितनी बढ़िया वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश में चली है, मुझे पूरा विश्वास है कि उससे डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिलेगी और हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम होगा, सीवियरिटी कम होगी और निश्चित तौर से सारी सरकारें पहले से ज्यादा तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। खासतौर से जनता भी अब काफी जागरूक है जी। और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, यहाँ पर एक चीज और कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है बार बार कि जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की ले ली है ये वेरिएंट उन पर भी जो है संक्रमण फैला सकता है, उन्हें भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन ऐसे में बूस्टर डोज को लेकर एक बार बार जो है आवाज सुनाई दे रही है कि बूस्टर डोज लेने की जरूरत है। देखिए इस पे अभी हमारे देश में तो अभी तक कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं और कोई डेटा भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ देशों में जैसे कि यूरोपियन एंड स्पेशली अमेरिका में बूस्टर डोज लग रही है, आम पब्लिक को भी लग रही है। हमारे देश में अभी हेल्थ वर्कर्स में भी बूस्टर डोज का कोई प्रावधान नहीं आया है, तो जैसे 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 सरकार का वो अपना इसको अध्ययन कर रही है और अगर उसको लगेगा कि बूस्टर डोज का प्रावधान लेके आना है तो लाया जाएगा, लेकिन अभी तक उससे कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है जी। चलिए ठीक है डॉक्टर अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए।